नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल एमएस ऑटोमेशन में। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा डेल्टा की पीएलसी और मोटरोन की एचएमआई, इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और साथ में आप कम्युनिकेशन के बाद इनको मैं एक सिंपल खुदा प्रोग्राम बना के दिखाऊँगा, जिसमें मैं आपको एक आउटपुट ऑन करके दिखाऊँगा कि आपस में कम्युनिकेट पीएलसी और एचएमआई हो चुकी है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस और इसी तरह ऑटोमेशन से जुड़ी रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। चलो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ से जो है हमारी डेल्टा का जो पीएलसी का प्रोग्राम है वो ओपन कर लेता हूँ और उसमें एक सिंपल मेमोरी डाल देता हूँ। ठीक है, मेमोरी बुक का, और वही मेमोरी बुक में आपको एच एम आई पर लेके फिर इसको ओपन कर करके दिखाऊंगा एच एम आई से। यहाँ से न्यू, ये हमारी पी एल सी है 14SS2। वैसे 14SS2 सीरीज हो गई यहाँ से। ओके, इससे पहले मैं यहाँ पे जीरो बिट ले लेता हूँ, इससे एक आउटपुट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, इसको कंपाइल कर देता हूँ। कंपाइल करने के बाद इसको मैं यहाँ से पीएलसी में डाल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से केबल लगा लेता हूँ पीएलसी के अंदर। मैंने केबल लगा ली है लैपटॉप में और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। इसको कॉम 3 आ गया, यहाँ से ओके, यहाँ से यस, यस। पीएलसी के अंदर प्रोग्राम डल चुका है। अब हम ओपन करेंगे एचएमआई का के लिए। रिमोट के लिए हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ से मैं क्या करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा। न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से हमारी जो HMI उसको सिलेक्ट कर लेंगे, HMI 004 ही है। ठीक है, यहाँ से मैं ये कम्युनिकेशन का पोर्ट RS485 सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से PLC टाइप हमारी ये है डेल्टा। डेल्टा में हमारी कौन सी PLC है, यहाँ से हम प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी DEP SS PLC इसमें है। यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, यस, यहाँ से मैं इसको फिनिश कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक बिट लेता हूँ, बिट स्विच, यहाँ से इसकी एड्रेसिंग डाल दूँगा मैं यहाँ से एडिट RS485। ठीक है, यहाँ से जो हमने बिट ली थी वहाँ पे PLC में, यहाँ से M0 बिट ले लूँगा यहाँ से, ये ओके। ठीक है, और यहाँ से इसको मूवमेंट्री तो ऑन कर दूँगा, फिर यहाँ पे अल्टरनेट पे कर देता हूँ इसको यहाँ से, ओके। ठीक है, कंपाइल करता हूँ, इसमें मैं जो है टेक्स्ट और डाल देता हूँ, 0 पर रहेगा ऑफ, 1 पर रहेगा ऑन। ठीक है, फॉन्ट की जो है साइज डाल देता हूँ ऑफ पर भी, यहाँ पर साइज डाल देता हूँ। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पे इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ। और ये यहाँ से कंपाइल कंपाइल कंप्लीट हो चुका है, सब अभी होने लग रहा है।
ये कंपाइल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ डाउनलोड में। डाउनलोड में जाने के बाद ये यहाँ से देखिए केबल हमारी यूएसबी वाली शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको पीसी टू एचएमआई डाउनलोड कर देता हूँ। ये डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो चुका है और ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं देखिए साइड में आपको एक विंडो अलग से दिखा रहा हूँ, साइड में विंडो है उसमें आप देखोगे। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, और एक इंडिकेटर भी लिया हमने, देखिए जो हमारी सबसे पहले मैं आपको हार्डवेयर दिखा देता हूँ। जो हमारा SMPS है, SMPS से हमने जो है PLC में सप्लाई दी है और HMI में सप्लाई दी है, और साथ में ये इंडिकेटर हमने, ये देखिए इंडिकेटर ग्रीन कलर का इंडिकेटर है। ये हम PLC के आउटपुट से मैं आपको चला के दिखाऊंगा, इसकी मैंने वायरिंग कंप्लीट कर दी, ठीक है। और ये यहाँ से देखिए, ये जो है PLC टू HMI का जो है कम्युनिकेशन भी मैंने कर दिया, ये वायर गई है कम्युनिकेशन की, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये हमारा इंडिकेटर है और ये हमारा HMI में जो प्रोग्राम मैंने डाला है वो है। यहाँ से मैं इसको ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, ऑन करते ही वहाँ पे इंडिकेटर ऑन हो गया, ये PLC में भी इंडिकेटर ऑन हो चुका है। और मैं यहाँ से इसको ऑफ करता हूँ, ये देखिए ये ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो हमारा कम्युनिकेशन जो प्रॉपर सही तरीके से हो चुका है, कम्युनिकेशन की जो लाइट है ग्रीन वाली ये भी ब्लिंक कर रही है, तो मतलब हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो चुका है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। वीडियो में अगर कोई डाउट है आपका जो भी क्लियर नहीं हुआ है, तो अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं उससे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।